चार्ट यस टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट ट्वेंटी सेवन प्लस एट प्लस फाइव प्लस नाइन ट्वेंटी नाइन थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन ट्वेंटी फोर इलेवन प्लस ट्वेंटी टू प्लस फिफ्टी फाइव एटी एट थर्टी थ्री प्लस ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी टू सेवेंटी सेवन फिफ्टी सिक्स प्लस थर्टी नाइन नाइन्टी फाइव फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टी फोर नाइन्टी नाइन वन फिफ्टी सिक्स प्लस फोर्टी थ्री वन नाइन्टी नाइन एटी नाइन मल्टीप्लाई फाइव फोर फोर फाइव थर्टी फाइव मल्टीप्लाई सिक्स टू वन जीरो फोर्टी फोर मल्टीप्लाई फाइव टू टू जीरो सो गाइज जो आपने अभी देखा वो मेरा बेकर्स का डेमो था बेसिकली एक्चुअली मैंने एट्थ क्लास में अपना बेकर्स का पूरा कोर्स किया था और एंड नाउ आई एम इन ट्वेल्थ सो गाइज जो बेसिकली मैंने सोचा है वीडियो बनाने का वो यही है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करी जो मैंने स्किल्स सीखी वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अबाउट अ बेकर्स सो गाइज आफ्टर लिसनिंग ऑल दिस द बेसिक क्वेश्चन दैट स्टक्स इन आवर माइंड इज दैट व्हाट एक्चुअली अ बेकर्स इज तो यार अबेकस स्टैंड फॉर एप्टीट्यूड बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलाइजिंग सिस्टम तो गाइस अबेकस कुछ नहीं बस एक टूल है जिसकी हेल्प से आप जो लंबी लंबी कैलकुलेशन होती हैं उनको बहुत फास्ट कर सकते हो तो यार उसमें ना बीट्स होते हैं उन बीट्स की अप एंड डाउन मूवमेंट से बेसिकली कैलकुलेशन होती हैं यार ठीक है अब ये सब सुन लिया हो गया बट एक क्वेश्चन आता है कि वॉट इज़ द नीड ऑफ अबेकस अबेकस करना क्यों है तो यार अबेकस सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इससे एक तो मेंटल एक्सरसाइज होती है जिससे कि हमारी मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन पावर बहुत इंक्रीज होती है तो यार ये तो हो गया कि मतलब हाँ मतलब बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज होती है अभी मैं आपको इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी ये देखो एग्ज़ाम होते हैं बहुत लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो और आई थिंक द मोस्ट कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ एवरी एग्ज़ाम इज दैट ऑफ कैलकुलेशन यार जैसे चाहे वो क्वांट्स हो एप्टीट्यूड हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या फिर फिजिक्स का एग्जाम हो मैथ्स का एग्जाम हो केमिस्ट्री का एग्जाम हो सब में कैलकुलेशन होती है बहुत कंज्यूमिंग होती है वो मतलब टाइम कंज्यूम हो जाता है उसमें मतलब सारा टाइम वहीं चला जाता है तो सोचो अगर आप वो कैलकुलेशन जिनमें आपको इतना टाइम लग रहा है अगर आप वो कैलकुलेशन बिना पेन पेपर के मेंटली कुछ सेकेंड्स में कर पा रहे हो तो कितना अमेजिंग होगा आई थिंक दैट विल रियली वेरी अमेजिंग तो यार सबसे ज़्यादा बेस्ट थिंग और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अबेकस की है वो यही है कि बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग चीज़ है और यार सबसे बड़ी बात ये हर जगह यूज़ होने वाली चीज़ है हर फील्ड में यूज़ होने वाली चीज़ है क्योंकि कैलकुलेशन हमारा हमारी लाइफ का एक पार्ट है आप किसी भी फील्ड में चले जाओ कैलकुलेशन तो करनी है डेली लाइफ में कैलकुलेशन होती हैं तो यार चाहे वो एक हाउस वाइफ हो जिसको अपना हाउस का बजट कैलकुलेट करना हो पूरा एक स्कूल गोइंग हो एक कॉलेज गोइंग हो सबके लिए बहुत यूज़फुल होती है कैलकुलेशंस अगर वो उसी चीज़ को फास्टली कर पाए तो कितना अमेजिंग होगा तो यार वही है कि देर इज़ नो एज फॉर लर्निंग तो यार इसलिए आई थिंक अबेकस बहुत काफ़ी यूज़फुल चीज़ है और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है कि एक हमारी मेंटल एक्सरसाइज करवा देता है जिससे कि हमारी हर चीज़ के लिए मेंटल एबिलिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है हमारी कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज़ हो जाती है और यार इसे सीखना बहुत इजी बहुत इंजॉयबल है आप और पता है इसे जब आप सीख जाते हो ना तो आपकी कैलकुलेशन फ्रेंड बन जाती है और फिर आपका एग्ज़ाम का टाइम है ना वो भी बहुत आपको लगता है कि हाँ यार अब है टाइम हमारे पास करने का तो ये चीज़ें हैं जो अबेकस का आपको सीखना चाहिए बहुत अच्छी चीज़ है बाकी यार इस वीडियो के लिए इतना ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अबेकस का पूरा टूल दिखाऊंगी उसको कैसे यूज़ करते हैं वो क्या है उसके अंदर की चीज़ें उनका इंट्रोडक्शन पूरा सिखाऊंगी थैंक यू फॉर लिसनिंग मी गाइस इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू स्टे होम स्टे सेफ